The next question comes, why India adopted the mixed economy? So, some leaders were in favor of socialist economy and some leaders were in favor of capitalist economy. So, in a democratic country like India, complete abolition of private ownership was not possible. क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा प्राइवेट कंपनीज नहीं थे कि पूरा आगे वर्कआउट कर सकते, ठीक है, पूरे का पूरा अगर कैपिटलिस्ट के हाथ में रहता तो सेम एज अ ब्रिटिशर्स की तरह ही कंडीशन हो जाती, जैसे ब्रिटिशर्स ने अपने सेल्फ मोटिव के लिए, अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पे इंडिया के जितना भी रिसोर्सेज थे सब डिक्लाइन करे, तो सेम यही सिचुएशन हो जाती। इसीलिए उन्होंने कहा कुछ लीडर्स ने कि हमको प्राइवेट ओनरशिप जो है इसको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। फिर अगर हम वहीं पे बात करते हैं, आपस से अगर हम यहीं पे बात करते हैं कैपिटलिस्ट में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि मतलब हमारे पास इतनी मेजोरिटी ऑफ पीपल्स नहीं था, इतना मेजोरिटी ऑफ पीपल्स नहीं था कि हम इसको भी आगे वर्क कर सकते, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, मिक्स इकोनॉमी एंड आपकी यहाँ पर जो है मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करा, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को ही हमने यहाँ पर कंबाइंड कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अडॉप्ट की गई कौन सी, मिक्स इकोनॉमी, और यहीं पर इंडिया ने अपनी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो अनाउंस कर दी थी 1948 में। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड प्लानिंग इन इंडिया, व्हाई डू वी नीड प्लानिंग इन इंडिया, तो देयर आर फोर मेजर रीजंस, लिमिटेशंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे थे कि जो बहुत ज्यादा आपका मैकेनिज्म था, ठीक है, काफी ज्यादा हमको यहाँ पे काफी ज्यादा लिमिटेशन हम यहाँ पर देखने के मिल रही थी, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए, ताकि प्राइवेट और पब्लिकली दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो जाए, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज नेशनल इंटरेस्ट मीन्स जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन आपके इंडिया में ही हो सके, हम जो भी अर्न कर रहे हैं उसका जो पैसा है हमारे इंडिया में ही उससे डेवलपमेंट हो, आपका उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्डअप हो, जो पॉवर्टी या फिर एजुकेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं वो हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो मनी है वो भी आपकी इंक्रीज होगी, और जब मनी आपके पास यहाँ पर आएगी इस फॉर्म में, तो इससे धीरे धीरे करके जो है वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा जो हम बैक हो गए थे उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर जो है वो आगे काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन की, अगर स्पेशली कि ओरिजिन कहां से हुआ आपका प्लानिंग कमीशन का, तो जो आपका फर्स्ट सिस्टम ऑफ प्लान है यहाँ पर, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट सिस्टमेटिक जो इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ये हमको स्पेशली बना था हमारा 1934 में, वैन एम विश्वेश्वरैया पब्लिश है वो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है कि एम विश्वेश्वरैया ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, कब लिखी है, 1934 में, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग नोन एज एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। लेकिन वहां पे हम मॉडल की बात करेंगे तो वहां पे भी नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए हमने क्या कहा, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया अब पब्लिश की गई है 1934 में, एंड बुक वॉज रिटन बाय एम विश्वेश्वरैया। अगेन 1938 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेट अप नेशनल प्लानिंग कमेटी। अब यहां पर क्या हुआ, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, जो किसने बनाई, स्पेशली पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उससे वहां पर उसके चेयरमैन थे, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई 1943 में, और यहाँ पर स्पेशली इसको हमने नाम दिया बॉम्बे प्लान, ठीक है। यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसमें जो मेन यहाँ पर एट लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे में जो सबमिट किया गया, इसलिए हमने इसको बॉम्बे प्लान कहा, ठीक है। इसका मेन जो मेन फोकस था वो क्या था, पर कैपिटा इनकम को, जो आने वाला टाइम पीरियड है उसमें पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम को यहाँ पे इंक्रीज करना, श्री एम एन रॉय रिलीव 10 ईयर्स पीपल्स काम, और यही पे फिर एम एन रॉय ने पीपल्स प्लान भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया था।
अभी आपको बताया था कि एम विश्वेश्वरैया ने स्पेशली जो हमने कहा यहाँ पर प्लानिंग कमीशन जो आपका स्पेशली यहाँ स्टार्ट हुआ, हम यहाँ पर उनको फॉलो करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं जितने भी आपके जो 5 year प्लान है उसका मेन आर्किटेक्चर कौन था, ठीक है, मेन ये हमें किसने प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे क्या है जो आपका सेकेंड प्लान है, जो हमारा सेकेंड प्लान था वो हमें दिया था पीसी महानोबिस ने, ठीक है, प्रशांता चंद्रा महानोबिस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछ लेते हैं कि किसने सेकंड प्लान किया था, तो सेकंड प्लान स्पेशली द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग वॉज पीसी महानोबिस, ठीक है, एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कॉम्पिटेटिव बेसिस के, ठीक है। 9 marks कंट्रीब्यूशन टू इंडियन प्लानिंग, और यहाँ पर बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन प्लानिंग में दिया पीसी महानोबिस ने, ठीक है। जो सेकंड प्लान है, जब सेकंड प्लान है वो आपका जो है फोकस हुआ था, वो आपका जो है महानोबिस के थ्रू बना था, वॉज बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ पीसी महानोबिस, इन दैट सेंस ही रिगार्डेड एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो आपने वहां पर आंसर लिखना है पीसी महानोबिस। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो महानोबिस एस्टैब्लिश इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI एंड कलकत्ता, ठीक है। पिक्चर से थोड़ा सा सिंबलाइज जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एक आइडिया भी हमें मिल जाता है, ठीक है। अभी हम लोग इस फॉर्म को तो हम रीड कर चुके हैं कि हमने डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी देखी थी, हमने यहाँ पर हमने कहा हमने मिक्स इकोनॉमी यहाँ पे अडॉप्ट करी, ठीक है, मिक्स इकोनॉमी हमने यहाँ पे अडॉप्ट करी और इकोनॉमिक प्लानिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बेसिकली हमने स्ट्रेटेजी जो हमने यहाँ पे अडॉप्ट करी है, एक तो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग बना दिया है, दूसरा हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। तो क्या कॉम्प्राइजेस है, क्या इसका मतलब है, सिंपल मिक्स इकोनॉमी हम पहले अभी रीड कर चुके हैं कि हमने सबसे पहले क्या करा, मिक्स इकोनॉमी को यहाँ पे अडॉप्ट कर दिया। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या था, जो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ओनरशिप का यहाँ पे कॉम्बिनेशन था, ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा, मिक्स इकोनॉमी। स्पेशली यहाँ पे क्या था हमने, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म बोथ इंक्लूडेड इन मिक्स इकोनॉमी। वाई हैज मिक्स इकोनॉमी चूजिंग, तो सिंपल कि यहाँ पर ना तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा बिल्डअप था ना आपका पब्लिक था, तो यहाँ पर हम लोग चाहते थे कि हम एक अच्छा इकोनॉमी हमारे यहाँ पर मिले ताकि हम अच्छा ग्रो कर सके, ताकि अच्छा डेवलपमेंट हो, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों को ही इंक्लूड किया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मिक्स इकोनॉमी को हमने यहाँ पर इंक्लूड करा तो इससे क्या हो गया, इसमें रिच एंड पुअर बोथ आर इंक्लूडेड, मीन्स हर तरह के लोग इसके अंदर इंक्लूडेड हो गए हैं, ठीक है, जिसके पास पैसा है वो भी इंक्लूडेड है और जिसके पास नहीं है सोशलिस्ट वो भी इसके साथ इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपॉर्चुनिटीज टू फुलफिल बोथ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर प्लानिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। अब ये कुछ के हाथों में नहीं रहेगी हमारी इकोनॉमी, यहाँ पर क्या है, दोनों ही दुनिया पर इन्वॉल्व है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर बेसिक इकोनॉमी को मेनली बेसिकली हमने यहाँ पर चूज करा है। इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, सेट ऑफ गोल्स बी अचीव विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे बात करें हमने स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमने स्टार्ट किया 1 year 2 year 3 year, तो हमने यहाँ पे एब्सेंट कर दिया 5 year प्लान जो आपका बना, प्लानिंग कमीशन आपका बन गया था 1950 में, सबसे पहला आपका जो फर्स्ट प्लान आया था आपका 1951 से 1956, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करा, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम हमने यहाँ पर रखा 5 year प्लान, मीन्स हमने जैसे कहा कि फर्स्ट 5 year प्लानिंग में हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर को फोकस करा, सेकंड हमने इंडस्ट्रीज करा, थर्ड हम फिर से एग्रीकल्चर में आ गए। इस तरह से हमने एक टारगेट अचीव करने के लिए रख लिया कि हमको यहाँ पर ये टारगेट जो है वो अचीव करना है, ठीक है, जैसे हमने बोर्ड एग्जाम्स के लिए मार्क्स के अचीव करना है कि हमें कितना पढ़ना है और हमें कितने मार्क्स लेकर आना है, तो वैसे वाई वॉज इकोनॉमिक प्लानिंग अडॉप्टेड। अब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों यहाँ पर अडॉप्ट करी, टू फाइट अगेंस्ट द बैकवर्डनेस एंड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितना ज्यादा हम बैक हो चुके हैं, जो हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी सिचुएशन हमें नजर आ रही है, जितना एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स के थ्रू हुआ है, ठीक है, उन सबसे हमको अब ऊपर अपग्रेड करना है, अपने आप को अपलिफ्टमेंट करना है, ठीक है, तो बैकवर्ड इकोनॉमी को हमने यहां से दूर करना है, इसीलिए हमने एक प्रोसेस स्टार्ट करा किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एंड विच हेल्प्स इन स्पेलिंग आउट हाउ दी स्पेयर रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन
should be used efficiently and economically. और यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से जो resources हैं, आपको उनको किस तरीके से utilization करना है, किस तरीके से आपको उनको use करना है. तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, economic planning को यहाँ पर